प्रेमियों, प्रेम की धारा, मालिक के नाम की धारा एक चीज ऐसी है। नहीं आएगा फिर कि इसके अंदर जीव जब बहत आता है, उसका रस लेने लगता है, तो उसे पता चलता है कि इसमें क्या आनंद है। अभी आपने बत्रा साहब का वजन सुना, अमर भैया का वजन सुना, महात्मा जी का भी सत्संग और भजन सुना। धीरे धीरे इस मंजिल पर चलते चलते अगर चल पड़ेंगे तो प्रेमी रास्ता मिलेगा, क्योंकि चलने के साथ गुरु महाराज जी हर कदम पर हमारी रखवाली करते हैं, और रखवाली करते करते हम उनका हाथ पकड़े रखें। वो हमें जब पकड़ लेंगे वो नहीं छोड़ते। उनकी ऐसी हिदायत है, बहुत समय पहले की बात है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। पता नहीं किस प्रेमी ने पूछा या कहा, तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव जो हैं वो ऐसी शक्ति के मालिक हैं, वो एक जन्म क्या सात जन्म तक नहीं छोड़ते। जीव का सुधार करके इसलिए वो बार बार कहते हैं कि प्रेमियों ना जाने हमें इतनी योनियां जो हैं वो लेनी पड़े, तो क्यों ना है, अच्छा है इसी मानुष श्रम के अंदर ही सिंपन के साथ तार जोड़ ले। क्योंकि प्रेमियों इस दिल को लगाना है, ये दिल हमारा दिन रात श्वास हमारे चल रहे हैं, लेकिन हम किस में खो रहे हैं, विचारों में। विचार एक ऐसी चीज है कि मन और विचार दोनों मिलकर के जीव को भ्रम में डाल देते। जीव भ्रम में आकर के सोचता है पता नहीं इसके अंदर आनंद है या नहीं है, शायद दूसरी वस्तु के अंदर आनंद होगा। नहीं प्रेमियों, आनंद तो इस मालिक के वचन के अंदर बहुत है, अगर हम लेकर के देखेंगे तो। क्या कहना है, वसदा नहीं रे सोने Yeah.
तेरी नहीं राम
तो ऐसा ही मन का घनों बना करके श्वास हमारे चल रहे हैं, सिर्फ अपने ध्यान को, अपने व्यवहार को करते हुए ध्यान को उस मालिक के चरणों में लगाओ, जिससे उनका अमृतमयी रस मिलेगा।